नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हिम्स डेराबसी से। और हिम्स डेराबसी, जैसे आप लोग को मालूम है कि हज़ारों की संख्या में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली किडनी पेशेंट्स डॉक्टर विश्वराय चौधरी बीएचसी सर को देख के फॉलो करते हुए। उन्हीं में से एक पेशेंट आए हमारे पास, पूनम सहाय जी। पूनम जी, कहाँ से आप आए हैं जी? पलामू से, झारखंड। पलामू झारखंड से। क्या दिक्कत थी आपको जी? किडनी की दिक्कत थी मुझे, चल नहीं पाती थी, पैर में पूरा सूजन थे, शरीर में पूरे सूजन थे, बहुत तरह की प्रॉब्लम थी। कब आपको पता लगा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम होगी? 2014 में। कैसे पता लगा था जी? मैं बाथरूम में झाग आती थी। अच्छा, बाथरूम में झाग। हाँ, पूरे शरीर में सूजन हो गई थी। ठीक है, तो फिर आप डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए? जी हाँ। तो उन्होंने टेस्ट किया आपका? जी, बीपी बहुत हाई रहता था। अच्छा, तो टेस्ट में क्या निकला फिर? टेस्ट में निकला कि किडनी मतलब क्रिएटिनिन वगैरह बहुत ज़्यादा। हाँ। तो क्या बोले डॉक्टर वहाँ पे? वहाँ पर तो डॉक्टर बोल दिया था कि आपको 40% खराब हो चुका है। ठीक है, तो डायलिसिस के लिए बोला कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं, बोला? ट्रीटमेंट किया। डायलिसिस तो सर शुरू हुआ अभी 1 अगस्त। 1 अगस्त से कितने बार डायलिसिस हो चुका है? 9 बार हो चुका है। 9 बार डायलिसिस हो चुका है पिछले शनिवार को। ठीक है, तो आपको बीपी बड़ा हाई रहता था? जी हाँ। और थायराइड की प्रॉब्लम थी 2006 से? जी हाँ। ठीक है, और फिर आपका डायलिसिस भी शुरू हो गया। जब आप हमारे पास हिम्स डेरा बसी है, उससे पहले क्या क्या दिक्कत रहती थी? जैसे आपने बताया कि पेशाब में झाग आता था, वीकनेस रहती थी जी, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे टॉयलेट नहीं होती थी, बिल्कुल भी पेशाब नहीं होता था। ठीक है, स्वेलिंग भी थी पूरे शरीर में? पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। ठीक है, सांस बहुत ज़्यादा फूलता था? हाँ। पेट में गैस बहुत ज़्यादा होता था, कब्ज रहता था, खाने पीने की इच्छा नहीं होती थी, घबराहट बहुत रहती थी, वीकनेस बहुत रहती थी। तो आपको यहाँ के बारे में पता कैसे लगा? यहाँ के बारे में यूट्यूब देख करके, और उसके बाद हमारी लड़की के दोस्त हैं जी, वो भी यहाँ से गई हैं इलाज करा के, ठीक है, उनको भी बहुत फायदा है, तो वो बताएं कि भाई आप वहाँ जाइए, ठीक है, वहाँ जाइएगा आपको बहुत फायदा होगा, इसलिए ठीक मैं है। यहाँ आई। तो आप लगभग कितने दिन रहे हमारे पास हिम्स डेराबसी में? 6/8 दिन है। आज 6ठा दिन है। जी हाँ। तो इस 6 दिन में आपको क्या क्या फर्क महसूस हुआ? इस 6 दिन में मेरे पूरे शरीर का सूजन खत्म हो गया। सूजन खत्म हो गया? जी हाँ। ठीक और है, टॉयलेट नहीं होती थी, टॉयलेट होने यूरिन आना लगी। शुरू हो गया? जी हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। और क्या क्या? और भूख भी लगने लगी, भूख भूख भी लगने, होती गैस है। वगैरह खत्म हो गया, जी पेट साफ रहता है, जी हाँ। कमजोरी जो रहती थी कमजोरी भी वैसा नहीं लग अब रही है। ऐसा नहीं लग रहा है? ठीक है, और आपको जो स्वेलिंग, तो खत्म हो गया बिल्कुल भी? जी हाँ, स्वेलिंग बिल्कुल खत्म खत्म हो हो गया स्वेलिंग। गई। तो इसे 10 दिन में आप जो हमारे पास रही हैं, तो 6 दिन मात्र 6 दिन हो गया? 6ठा दिन। अच्छा, दिन है, अभी कल तक एक पूरा एक नहीं दिन की हुआ। थेरेपी और है। तो जो लोग आपकी तरह परेशान है किडनी को लेके, जी हाँ। जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि वो भी हिम्स आए और अपने इलाज कराएं, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है कि जो बातें हम बताते थे, जो हम कहते थे कि किडनी रिवाइव हो जाती है केवल डाइट, योग से और थेरेपी से, जो वो लोग डॉक्टर डराते थे कि केवल डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन ही इसका इलाज है, आप मानते हैं कि ये आयुर्वेदिक थेरेपी जो हम लोग करते हैं, नेचुरोपैथी थेरेपी से करते हैं, एकदम जी हाँ सर, तो क्या मानते क्या हैं। संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको देख रहे सुन रहे हैं? मैं तो यही देना चाहूंगी कि भाई जो लोग कहते हैं डायलिसिस के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए, वो गलत है, यहाँ आएंगे तो उनको जरूर फायदा मिलेगी, वो ठीक हो जाएंगे। आपने वैक्सीनेशन भी लगवाया था, तो आपको कहीं मन में है कि वैक्सीनेशन से ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ? अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट बनना शुरू हुआ सर 19 से, 2019 से। उसके पहले 2 टक्कर था, ठीक है, ठीक वो के बाद बहुत तेजी से। है। तो जब आप हमारे पास आए थे, उस टाइम आपका यूरिया 101 था, क्रिएटिन 6.6 था और पोटेशियम 4.6 था। और अभी लेटेस्ट का कोई आपका टेस्ट हुआ है? आज टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट उसकी नहीं आई है। अभी रिपोर्ट उसकी नहीं आई है फीलिंग से तो एहसास होता है सर, क्या जी मीटर पहले से जी होता है। मैं आपका चल नहीं पाती थी सर, जी, आप अब मैं हमारे चल पास, लेती हूँ। आप हमारे पास आई हैं 11 तारीख जब ग्यारह लगी तारीख चल को? हो ठीक है, गया। 11 तारीख की रिपोर्ट लगे, चलो ठीक है। अब आपका आप प्रेजेंट रिपोर्ट शेयर करते हैं। आपने अपनी वाइफ को देखा यहाँ पे, लोगों के साथ इंटरेक्ट किए, आपको क्या महसूस हुआ? तो सर रिफाइन है, यहाँ के हो गए हैं, और बहुत सारे हमारे शहर में लोग हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे दोस्त हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग सब यहाँ आए जी और अपना आकर इलाज कराएं, जो फायदा हमको मिल रहा है वो भी ले, बहुत अच्छा, उनको भी मिले बहुत ये चीज़। सुंदर। यहाँ के स्टाफ, यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ का माहौल कैसा लगा बहुत आपको? अच्छा, एकदम फ्रेंडली, कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी कुछ कहते हैं तो तुरंत लोग सुनते हैं,
केसेस जी अच्छा लगा आपको जी। वो स्टाफ हो, वो डॉक्टर्स हो, वो आप लोग जैसे प्रशासनिक लोग हो, सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह ये माना हमें समझा दिया जाता है कि किडनी रिवाइव नहीं होती है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई इसका हल ही नहीं है, हिम्स डेराबसी में जैसे डॉक्टर बियासी सर, आचार्य मनीष जी, डॉक्टर अवधेश पांडे एंड डॉक्टर आज़ाद सर द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल्स के में हम ये कहते हैं कि किडनी आपकी रिवाइव होती है। ना केवल किडनी, आपके सारे अंग रिवाइव होते हैं, आपका जो शरीर है पुनर्जीवित हो जाता है, वापस रिवाइव होता है। आइए हिम्स डेराबसी और इस एक्सपीरियंस को गेन करिए। थैंक यू वेरी मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।